है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। हम बहुत खुश हैं इस सुबह आप हमारे साथ जुड़े हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में। और आइए आज हम सब मिलकर जेंटलनेस के बारे में कुछ नया सीखें। दोस्तों, आज हम खास प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना हम सब के लिए, क्योंकि हम सब परिवारों में रहते हैं और परिवारों में जेंटलनेस दिखाना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। तो आज हम परमेश्वर से मदद पाएंगे, दैट गॉड विल हेल्प अस टू बी जेंटल इन आवर फैमिलीज। यस रिबेका, जब आप फैमिली कह रही थी, मैं सोच रहा था कि हमारी फैमिली में कितने अलग अलग किस्म के लोग होते हैं। कुछ होते हैं जिनके साथ हमारी अच्छी बनती है, वो समझते हैं, एक ट्यूनिंग है, हमने कहा कुछ वो समझ गए। लेकिन ऐसे भी मेंबर्स होते हैं जो थोड़ा मुफट होते हैं, थोड़ा रफ होते हैं अपने लैंग्वेज में, टोकते हैं। और एस पूरे फैमिली के हर मेंबर के साथ जेंटल होना इज नॉट ईजी। दैट इज वेरी ट्रू, एंड आई एम श्योर हमारे जो दर्शक हैं ये भी इस बात से आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे, बिकॉज हम सब के परिवारों में अलग अलग तरह के लोग हैं और हमारी कोशिश होती है कि हम एक दूसरे के साथ कोमल स्वभाव रखें, करें, लेकिन कभी कभी हो नहीं पाता और हम नाराज़ हो जाते हैं या कुछ गलत बोल जाते हैं। पर आज हम खास प्रोग्राम में दोस्तों प्रार्थना करेंगे, हम परमेश्वर से मदद पाएंगे, क्योंकि हमें इस बात की रियलाइजेशन है कि हम अपने बल में ये नहीं कर पाएंगे, ऑन आर ओन वी कैनॉट डू इट, सो वी नीड गॉड्स हेल्प। तो आज हम खास प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से सामर्थ मांगेंगे, मदद मांगेंगे कि वो हमारी मदद करे, कि हम मुश्किल परिस्थितियों में भी, मुश्किल लोगों के साथ भी कोमल स्वभाव रख सकें। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली दोस्तों, आप निराश मत होइए, चाहे आपके परिवार में कैसे भी है लोग, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम एक पहल करें हमारी तरफ से उस पर निर्भर होकर। और इसलिए आज हम खास प्रार्थना करेंगे आपके लिए कि परमेश्वर आपको परिवार में जो भी हालात है उस सब में विनम्रता से चलने में मदद करेगा। जी हाँ दोस्तों, और आइए इस समय आगे बढ़ते हुए हम आपकी मुलाकात कराएं राहुल और गीतू सिंह से, जिनके रिश्तों में अनबन थी। पर राहुल ने किस तरह गीतू के साथ व्यवहार किया, मुश्किलों के बावजूद राहुल के क्या रिएक्शंस रहे और कैसे इनकी ये अनबन दूर हुई, आइए आज इन्हीं से मिलकर हम जानें। राहुल गाजियाबाद के रहने वाले हैं और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने अपनी हमउम्र दोस्त से शादी कर ली। कुछ समय बाद मेरी पत्नी ने चाहा एक जॉब ज्वाइन करूं। वो जॉब में आगे बढ़ने लगी, लेकिन मैंने कुछ टाइम बाद महसूस करा कि उसका ध्यान ज्यादातर अपने ऑफिस की तरफ बढ़ने लगा है। वो खुदा की बातों से दूर हट रही थी और धीरे धीरे वो दुनियावी बातों की तरफ बढ़ती चली गई और छोटी छोटी बातों को लेके मेरे पारिवारिक झगड़े होने लगे, मेरे सास ससुर से मेरे झगड़े बढ़ने लगे। और इन्हीं लड़ाई झगड़ों को लेके और अपनी घर की जिम्मेदारियों को भूल कर मैं अपना ज्यादातर समय अपने ऑफिस में बिताने लगी। मैं चर्च अकेले जाया करता था और लोगों को देखता था, वहाँ लोग अपने परिवार के साथ आते थे, लोग मुझसे पूछते थे कि तुम्हारी पत्नी कहाँ है, और मैं इस बात को लेकर बहुत शर्मिंदगी महसूस करता था, लेकिन उन्होंने कभी कुछ जवाब नहीं देता था। इसके बाद राहुल अपने स्वभाव के अनुसार अपना अधिकतर समय निकालकर परमेश्वर से दुआ करते रहते। धीरे धीरे समय गुजरता गया, लेकिन उनकी पत्नी का झुकाव परमेश्वर की ओर नहीं हुआ और इसी दौरान उन दोनों को एक बेटा हुआ। बेटा पैदा होने की खुशी हमें बहुत थी, लेकिन मेरी पत्नी के स्वभाव में कुछ और बदलाव आने लगे। अब वो धीरे धीरे मुझसे मनमुटाव रखने लगी और लड़ाई झगड़े करने लगी, जिसके कारण मैं बहुत दुखी रहने लगा, लेकिन मैं कभी किसी से कुछ कहता नहीं था। मैं सिर्फ खुदा से दुआ मांगता था कि खुदा बाप, जैसे चर्च में और भी लोगों के परिवारों को इस्तेमाल कर रहा है, हमारे परिवार को भी इस्तेमाल करे। इसी तरह की जिंदगी जीते हुए राहुल और उनकी वाइफ के 10 साल और निकल गए। लेकिन परमेश्वर से मैंने कभी अपनी पत्नी के लिए दुआ मांगना नहीं छोड़ा और मुझे इस बात का पूरा यकीन था कि एक न एक दिन परमेश्वर उसकी जिंदगी को बदलेगा। और परमेश्वर का वचन पहला पत्रस उसके 3 और 4 अध्याय मेरे को बहुत उत्साहित करते थे और मुझे उम्मीद थी एक न एक दिन खुदा बाप मेरी पत्नी की जिंदगी को बदल देगा और हम फिर दोबारा परमेश्वर की हमदो सताइश और परस्तिश करने पाएंगे। और कई सालों बाद परमेश्वर ने मेरी दुआओं का जवाब दिया। मेरी पत्नी ने ये इच्छा जाहिर करी
कि मैं चर्च जाना चाहती हूँ, और मैं उसकी इस बात को सुनकर बहुत खुश हुआ, बहुत आनंदित हुआ। तब मुझे एहसास हुआ कि इन्हीं झगड़ों के कारण कहीं राहुल और मैं अलग ना हो जाएं, क्योंकि मैं राहुल को छोड़ना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं राहुल से बहुत प्यार करती थी। मैंने कभी बाइबल को हाथ भी नहीं लगाया था, मैंने कभी बाइबल नहीं पढ़ी थी, लेकिन उस दिन मैं बहुत दुखी थी। मेरी बाइबल पर नज़र पड़ी और मैंने उसे खोला और मुझे एक वचन मिला जिसमें लिखा था, चिट्ठी डाली तो जाती है वरन निकाली यहोवा की ओर से ही जाती है। मुझे ऐसा लगा कि परमेश्वर मुझसे कुछ बात कर रहा है या मुझसे कुछ कहना चाहता है। और हम अगले ही दिन चर्च पहुंच गए। मेरी पत्नी ने अपना पहला कदम परमेश्वर की भवन की ओर बढ़ाया, और इसके इस बर्ताव से चर्च के सभी कलीसिया के मेंबर और पासबान दोनों बहुत खुश थे। उन्होंने हमारा अच्छा वेलकम करा और हमारे लिए दुआ मांगी कि हम परमेश्वर के अनुग्रह में और बढ़ते चले गए। राहुल के अच्छे बर्ताव और उनकी विनम्रता के चलते उनकी वाइफ ने धीरे धीरे चर्च तो आना शुरू कर दिया, लेकिन बहुत सालों तक परमेश्वर से दूर होने के कारण वो वचन तो सुनती थी लेकिन दुआ नहीं करती थी। इसी दौरान 31 दिसंबर की नाइट को चर्च में एक प्रार्थना सभा रखी गई और हम लोग भी वहाँ थे, और वहाँ पर लोग बारी बारी से दुआ कर रहे थे, और पास्टर साहब ने बोला कि राहुल की पत्नी भी दुआ करेगी। और अपनी पत्नी की दुआ सुनकर मैं बहुत रोने लगा, मेरा दिल शुक्रगुजारी से भर गया और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा। और मैं जो दुख में था, तकलीफ में था, जो बोझ में था, उससे बहुत हल्का महसूस करने लगा, और इस नई जिंदगी के लिए, इस नई शांति के लिए मैंने प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद किया। और पिछले एक साल से प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद मैं अपने परिवार के साथ एक अच्छा मसीह जीवन व्यतीत करने पा रही हूँ, और ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह से ही हुआ है। और आज मैं और मेरी पत्नी, हम दोनों चर्च के साथ जुड़कर प्रभु यीशु मसीह की आराधना करते हैं और उसकी महिमा करते हैं। दोस्तों, राहुल और गीतों के खुशहाल जोड़े को देखकर कितना अच्छा लगा। सो गुड टू सी देम हैप्पी अगेन। और बहुत जरूरी है कि हम सब्र रखें, वी विल बी पेशेंट, हम ह्यूमिलिटी दिखाएं, एंड दैट वी विल बी जेंटल विद वन अनदर। एब्सोल्युटली रिबेका, ऐसा होता है कि हम जीवन में अलग अलग मौसम से गुजरते हैं, रिश्तों में भी हम अलग अलग मौसम से गुजरते हैं जी। और कभी कभी ऐसे मौसम होते हैं जो बहुत मुश्किल वाले, मुश्किल की घड़ी होती है, और ऐसे में परमेश्वर चाहता है कि हम अपने परिवार में एक दूसरे का साथ दें और जेंटलनेस दिखाए अपने बिहेवियर में, अपने टोन में, हमारे अप्रोच में। हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है जी। ये परमेश्वर का प्रेम ही है जो हमारी मदद करता है कि हम ऐसा रिएक्शन एक दूसरे को दे सकें और ऐसा स्वभाव एक दूसरे के प्रति रख सकें। यस, बिल्कुल। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि परिवार में कैसे हम जेंटलनेस दिखा सके। मैं चाहता हूँ एक मंजर आप अपने नज़रों के सामने लेकर आए। सोचिए कि आपके आँखों पर पट्टी लगी हुई है और आप एक ऐसे कमरे में हैं जहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं, कई सारा सामान रखा हुआ है। कुछ कांच का है, कुछ पत्थर का है, कुछ सेरामिक का है, और आप इस कमरे से बिल्कुल वाकिफ नहीं हैं। यू आर अनफेमिलियर टू दिस टेरिटरी। अब अगर मैं आपसे कहूं कि एक तरफ के कमरे से दूसरे तरफ जाना है तो क्या होगा? आप डरेंगे, है ना, घबराएंगे, थोड़ा हिचकिचाएंगे, टेंटेटिव होंगे। आप हर कदम जो रखेंगे वो सोच सोच कर रखेंगे। लेकिन फिर मैं अगर आपसे कहूं कि कोई है जिस पर आपको पूरा भरोसा है, आपका अपना है, जो आपके साथ आए, आपके आंखों की पट्टी अभी बंधी हुई है लेकिन उनके आंखों पर पट्टी नहीं है, अगर वो आपका साथ दे, आपके कंधे पर हाथ रखे और फिर आपको ले जाए तो कैसा होगा? बड़ा आसान होगा, है कि नहीं, इस कमरे से उस कमरे जाना, क्योंकि आप जानते हैं कि चाहे कितने भी सामान अड़चन बीच में हो लेकिन कोई आपके साथ है जो आपका वेल विशर है, आपका शुभ चिंतक है, और वो आपको उस तरफ ले जाएगा। अक्सर हमारे जीवन में ऐसा होता है दोस्तों, कमरा तो नहीं लेकिन जीवन में ऐसे समय आते हैं जहाँ शायद हमें ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, हम ठीक से फैसला नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में हमें कोई दोस्त, कोई परिवार जन की ज़रूरत है। हमारे फैमिली मेंबर के लिए हम वो साथी बन सकते हैं जिसका हाथ हमारे कंधों पर रखकर हम उनको मार्गदर्शन दे सकते हैं। कुछ ऐसा ही हमारा परमेश्वर जो हमारा चरवा है हमारे साथ करता है। एक बहुत ही खूबसूरत वचन है यशाया का 40वां अध्याय, वो वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। Isaiah 40 verse 11, यशाया 40वां अध्याय 11वां वचन कहता है, यहोवा अपने लोगों की वैसी ही अगुवाई करेगा जैसे कोई गडरिया अपने भेड़ों की अगुवाई करता है। यहोवा अपने बाहु को काम में लगाएगा और अपनी भेड़ों को
इकट्ठा करेगा, यहोवा छोटी भेड़ों को उठाकर गोद में थामेगा और उनकी माताएं उसके साथ साथ चलेंगी। संसार परमेश्वर ने रचा है, वह इसका शासक है। है ना खूबसूरत वचन दोस्तों। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमारा चरवाहा है, वो हमारा गडरिया है और हमें हाथ में उठाकर चलता है। शायद आपके परिवार में किसी को जरूरत है और परमेश्वर आपका इस्तेमाल करना चाहता है कि आप अपने परिवार के जन के प्रति वो विनम्रता दिखाए, वो जेंटलनेस दिखाए और उनकी मदद करें एक तरफ से दूसरे तरफ जाने में। शायद उन्हें कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन परमेश्वर आपकी आपकी अगुवाई करेगा, आपका इस्तेमाल करेगा ताकि वो आशीष पाए। जी, दैट इज सो वंडरफुल कि परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है ताकि हम अपने जो हमारे परिवार के जन हैं उन्हें प्रेम दिखा सके, उनके साथ एक सब्र का बर्ताव कर सके, एंड दैट वी विल बी जेंटल विद देम। परमेश्वर हमारा मददगार है दोस्तों, हम परमेश्वर से मदद पाएं। और अगर आप अपने चैलेंजेस में काउंसलिंग चाहते हैं दोस्तों, अगर आप मदद चाहते हैं, यू वुड लाइक टू जस्ट शेयर विद समवन, जस्ट टॉक टू समवन, एंड अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी मदद करे, आपकी प्रॉब्लम समझे, तो वाई नॉट यू गेट इन टच विद अस। हमारी CBN इंडिया वेबसाइट पर आप जा सकते हैं। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbnofferings। यहाँ जाकर आप प्रोफेशनल काउंसलिंग पा सकते हैं, विच विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। यस दोस्तों, ऐसा जरूर कीजिएगा। आप समय छोटे से ब्रेक का, लेकिन जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो CBN प्रेयर लाइन में हम निवेदिता और पास्टर आशीष के साथ जुड़ेंगे जो प्रार्थना करने वाले हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो रिलेशनशिप्स में अब्यूज का सामना किए हैं। तो कहीं जाइएगा नहीं दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए। एक नई जिंदगी के लोकप्रिय सेगमेंट चर्च कॉयर्स इन कॉन्सर्ट के जरिए हमने क्रिश्चियन हिम्स और सदाबहार गीतों को रिकॉर्ड और पेश किया। इस पहल में आप सबका सहयोग और प्यार मिला, जिसके लिए हम आप सबके आभारी हैं। और इस बार चर्च कॉयर्स इन कॉन्सर्ट में पहली बार हम ला रहे हैं पौड़ी गढ़वाल से मेथोडिस्ट चर्चेज गढ़ोली चोपड़ा और कोटद्वार से गढ़वाली गीत। भारत के कोने कोने से कॉयर्स के गीत सुनने के लिए देखते रहिए एक नई जिंदगी। आपके चर्च कॉयर के लिए भी हम लाए हैं एक सुनहरा अवसर। अगर आपके कॉयर भी जोश और जज्बे से भरे हैं तो 9910401010 connect@cbnindia.org पर या www.cbnindia.org पर हमसे संपर्क करिए। शायद जल्द ही आपकी कॉयर नेशनल टीवी पर हो। वेलकम बैक दोस्तों, आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम खास परमेश्वर से मदद पा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं ताकि हमारे परिवारों में हम कोमल स्वभाव के साथ पेश आएं। यस दोस्तों, रिश्तों में जेंटलनेस लाना आसान नहीं है। लोग अलग अलग होते हैं, विभिन्न होते हैं, हमें परमेश्वर की जरूरत है, परमेश्वर पर निर्भर होने की जरूरत है और इसी को हम कहते हैं प्रार्थना। ये समय है कि हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और CBN प्रेयर लाइन में हम निवेदिता और पास्टर आशीष के साथ जुड़ेंगे जो हम सबके लिए प्रार्थना करने वाले हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो रिलेशनशिप्स में अब्यूज को सहे हैं। तो आइए उनके साथ जुड़ते हैं। आशीष, थैंक यू सो मच एक बार फिर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। आज हम बात करने वाले हैं रिलेशनशिप्स के बारे में जिनमें कई बार लोग वर्बल या इमोशनल अब्यूज से गुजरते हैं। कई बार ऐसे इश्यूज की वजह से लव एंड रिलेशनशिप पे से लोगों का भरोसा भी उठ जाता है। पास्टर, आप क्या बताना चाहेंगे हमारे ऑडियंसेस को रिलेशनशिप के अब्यूजेस के बारे में? बहुत अच्छा सवाल है। रिलेशनशिप में कई प्रकार के अब्यूजेस होते हैं, लेकिन मैं सबसे पहली बात जो है परमेश्वर के वचन से शुरू करना चाहूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि जैसे मैंने प्यार किया वैसे ही तुम भी प्यार करो। As I have loved you, you also love. ये थे प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं। और जहां तक मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, उन्होंने अपने प्राणों को भी नहीं रख छोड़ा जब प्रेम की बारी आई। ये प्यार हमें क्या दिखाता है? निस्वार्थ भाव।
एक ऐसा प्यार जिसमें कुछ लेना नहीं है, सिर्फ देना ही देना है। अगर आप ऐसे एक रिश्ते में हैं, तो मैं कहता हूं परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आप सही जगह पे हैं, क्योंकि जिस रिश्ते में स्वार्थ है, अहंकार है, गालियां हैं, मारपीट है, चाहे वो छोटे मजाक से ही क्यों ना शुरू हुई हो, लेकिन वो है। और जब वो है तो वो व्यक्ति वहां पर रह नहीं सकता, परेशान रहेगा, दुखी रहेगा, रोता हुआ रहेगा। पास्टर, कई बार लोग रियलाइज तो करते हैं कि हमारे साथ बुरा हो रहा है या वो खराब महसूस तो करते हैं, लेकिन बहुत लोग अपने इन रिलेशनशिप से सालों साल बाहर नहीं आ पाते हैं। कोई भी रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं है, हर में सब में त्रुटियां हैं, कमियां हैं, और कुछ ज्यादा भी हैं, कुछ कम भी हैं। लेकिन एक व्यक्ति को अगर उसमें से बाहर निकलना है या वो चाहता है कि वो अपनी जिंदगी को एक बेहतर तरीके से जिए और समझे, तो कहीं ना कहीं उसको अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि प्रभु मैं अपने जीवन से कैसे निकलूं, मैंने जो गलतियां की हैं उसको एक्सेप्ट करके मैं इस रिलेशनशिप से बाहर आऊं। आई नो दोस्तों, कभी कभी हमें लगता है कि अकेले बैठ जाना या एडजस्ट कर लेना ठीक होगा, पर अगर आपको ऐसा लगता है कि प्रार्थना के साथ आपको सहारे की जरूरत है, तो हम हैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए। आइए हम उन सारे ऑडियंसेस के लिए प्रार्थना करते हैं जो किसी डिफिकल्ट रिलेशनशिप में है, किसी अब्यूजिव रिलेशनशिप में है, उससे बाहर निकलना चाहते हैं या अपने रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। सभी लोग अपने सरों को झुकाएं और प्रेमी पिता परमेश्वर की उपस्थिति में चलें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, हम आपकी सृष्टि हैं, आपने हमें रचा बनाया और हमारे नतनों में अपने जीवन का श्वास फूंक दिया। हर एक इंसान जो हमारे साथ रहता है, हमारा पार्टनर है, हमारा दोस्त है, हमारा भाई, हमारा कोई भी रिश्तेदार हो जो कि रिश्ते में है हमारे साथ, हमें ये बात जाननी है और समझनी है कि वो परमेश्वर की सृष्टि है, परमेश्वर ने उसको बनाया है, परमेश्वर ने उसको सृजा है। प्रभु, हम अपने जीवन के द्वारा ऐसे किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का अब्यूज ना करने पाए, वरन ऐसे व्यक्तियों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ जो ऐसे रिश्तों में अभी जी रहे हैं, अपने समय को व्यतीत कर रहे हैं प्रभु, कि वो कोई भी गलत कदम अपने जीवन में ना उठाने पाए। प्रभु, लोगों को संयम दीजिए, एक दूसरे को समझने का मौका दीजिए, नम्र और प्रेम पूर्वक शब्द दीजिए ताकि वो लोग अपने जख्मों में से उभर सकें, एक अच्छे रिश्ते की ओर प्रवेश कर सकें, शादियों में प्रभु प्रेम रह सके और आपके नाम की महिमा हो सके। इस प्रार्थना को खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दोस्तों, आशा है कि आप सब ने आज अपने रिलेशनशिप के बारे में कुछ ना कुछ इस सेशन से लिया होगा। अब हम चलते हैं, पर 17 फरवरी को हम फिर मिलेंगे और बात करेंगे ऐसे सिचुएशन के बारे में जब हम सब डिफिकल्ट पर्सनल रीजन के वजह से जज किए जाते हैं, अपने चॉइसेस के वजह से जज किए जाते हैं, हार्श वर्ड्स का सामना करना पड़ता है, तानों का सामना करना पड़ता है। इफ यू आर वन ऑफ अमंगस्ट मैनी, आज प्रोफेशनल हेल्प के थ्रू आप काउंसलिंग ले सकते हैं इन 3 इजी स्टेप्स में। स्टेप 1, गो टू cbnindia.org। स्टेप 2, क्लिक ऑन CBN ऑफरिंग। स्टेप 3, बुक योर काउंसलिंग स्लॉट। अब हम चलते हैं, पर आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड बाय। इट्स सो वंडरफुल, परमेश्वर ने हमें ये प्रिविलेज दिया है कि हम अपने लिए और एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सके, एंड इट इज सो वंडरफुल दैट गॉड हैज गिवन अस दिस प्रिविलेज टू प्रे फॉर योर फ्रेंड्स। तो आप हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहें और CBN इंडिया के YouTube चैनल पर 28 फरवरी को हम लाइव जाएंगे, तो आप अपने प्रार्थना निवेदनों के साथ हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। बी रेडी एट शार्प 3 o'clock ऑन द 28th ऑफ फरवरी टू जॉइन अस फॉर लाइव प्रेयर। यस फ्रेंड्स, डू जॉइन अस। दोस्तों, अब समय छोटे से ब्रेक का। जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो आपके मैसेजेस पढ़ने वाले हैं शुक्रिया शुक्रवार में, और साथ ही साथ आप सबके लिए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। So do stay with us, we'll be right back. First of all, this studio is special in terms of the space that it has. It's quite a big studio. The lighting is done very well.
the cameras are very high-end FS7 cameras. One of the first things that genuinely struck me the day I walked in for a recce was that it's a very, very well-maintained studio. These nice backdrops that you had, very clutter-free, very well-designed, very easy to maneuver things around. And the best thing about it is the prefabricated sets that you've created. You have multiple sets in one small area. So it doesn't take much to set up your shot, right? You can just turn your camera left, right, and you have something to shoot it. It is ready-made. A lot of hygiene measures being followed. Everyone's masked, you know, bunch of sanitizers around, which is, you know, well, that's the need of the hour, and I'm glad that the studio is following that. But most of all, and most importantly, is the team at CBN, which makes you feel comfortable. You can tell that they're very experienced team members. They've been curated in a way that they all work well seamlessly. So that's the most important point and the easiest team that I find to work with in this Delhi Gurgaon area. In a unique opportunity, you can now gift an on-air Thanksgiving prayer for someone you want to thank and honor. Ye unique gifting aapko allow karega to honor your loved ones, mark special occasions like birthdays, anniversary and remembrance by sending in your request. Yehi nahi, आप एक यूनिक ग्रुप थैंक्सगिविंग प्रेयर चूज कर सकते हैं टू ऑनर योर स्कूल, चर्च या ऑर्गेनाइजेशन. यू कैन नाउ गिफ्ट एन ऑनर थैंक्सगिविंग प्रेयर फॉर योर एल्डर्स, पास्टर्स, सीनियर सिटीजन्स आपकी कम्युनिटी के. ये यूनिक थैंक्सगिविंग प्रेयर ब्रॉडकास्ट होगा नेशनल टीवी पे और फीचर होगा ऑन CBN इंडिया यूट्यूब चैनल. इसलिए अभी विजिट करें www.cbnindia.org एंड गो टू CBN ऑफरिंग्स. अगर आपके स्पेशल वंस मिस कर देते हैं टेलीकास्ट को, इट विल ऑलवेज बी देयर फॉर देम टू वॉच ऑन CBN इंडिया फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल. वेलकम बैक दोस्तों, वी आर सो ग्रेटफुल टू गॉड फॉर दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग. और आज हम खास परमेश्वर का धन्यवाद दे रहे हैं और खास परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं ताकि परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम अपने परिवारों में जेंटल हो सकें. यस दोस्तों, और आप समय है आपके भेजे गए मैसेजेस को पढ़ने का. शुक्रिया शुक्रवार में. पहला मैसेज जो आया है, हमारे दर्शक कह रहे हैं, आप अद्भुत गवाहियां और संदेश दिखाते हैं. मुझे आपके द्वारा की गई प्रार्थना और स्तुति बहुत पसंद है. थैंक यू सो मच हमें बताने के लिए कि हमारे गीत और जो संदेश आपको मिल रहा है उससे आपको आशीष मिल रही है. थैंक यू. एक नई जिंदगी देखने के लिए देखते रहिए और प्रभु में बढ़ते रहिए. आइए दोस्तों पढ़ते हैं आपका एक और मैसेज जो आपने हमें भेजा है. सचमुच प्रार्थना जीवन व्यतीत करना परमेश्वर की निकटता में बने रहने की अद्भुत कुंजी है और आप लोगों के प्रार्थना के द्वारा बहुत से लोगों को अनुग्रह प्राप्त हो रहा है. थैंक यू वेरी मच फॉर दिस ब्यूटीफुल मैसेज. और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस प्रिविलेज के लिए कि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें. और हमें पता है कि आप सब भी हमारे लिए लगातार प्रार्थना करते हैं. दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई खास है जिसे आप थैंक्सगिविंग प्रेयर गिफ्ट करना चाहते हैं, समवन वेरी स्पेशल हुज बीन अ ब्लेसिंग फॉर यू, तो हम आपके लिए खास मौका लेकर आए हैं. जब आप इन खास के लिए, मिस्टर या मिसेस खास के लिए, आप एक थैंक्सगिविंग प्रेयर गिफ्ट कर सकते हैं, आप उन्हें थैंक यू कह सकते हैं, उन्हें ऑनर कर सकते हैं एक नई जिंदगी टीवी शो पर जो कलर्स टीवी पर हर सुबह 6:30 बजे आता है, मंडे टू फ्राइडे. और ऐसा करने के लिए आप हमारी वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें. हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbnofferings. आइए दोस्तों मिलकर प्रार्थना करते हैं. स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं. धन्यवाद कि तूने हमें परिवारों में रखा है, जोड़ा है प्रभु, अच्छे रिश्तेदार दिए हैं, ऐसे लोग दिए हैं प्रभु जो हमारा साथ देते हैं, हमें संभालते हैं हमारे मुश्किल घड़ी में. प्रभु वो हमारे साथ है. धन्यवाद प्रभु कि तू रिश्तों का परमेश्वर है और तू चाहता है कि रिश्तों में हम विनम्रता दिखाए, जेंटलनेस दिखाए. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस सुबह हमारे सारे प्रिय दर्शकों के लिए, खासकर उनके लिए जिनके परिवारों में शायद ऐसे रिश्ते हो जो नाजुक हैं, जो डेलिकेट है. प्रभु हम सबको सद्बुद्धि दे, समझ दे, तेरी आत्मा से भरपूर रख कि हम जिससे भी बर्ताव करें, व्यवहार करें, हमारे व्यवहार में वो विनम्रता और वो कोमलता दिखाई दे, ताकि हमारे सारे बातों में और हरकतों में और कार्यों में तेरे नाम की महिमा हो. ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के पावन नाम में करते हैं. आमेन आमेन आमेन. दोस्तों याद रखें,
रिश्तों की डोर जो होती है वो बहुत नाजुक होती है, और हमारी पहल ये होनी चाहिए कि इस डोर को हमें संभाले रखना है परमेश्वर की मदद से। जी बिल्कुल दोस्तों, और आइए इस समय हम देखें आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन। तो दोस्तों, हम आपको इनकरेज करते हैं कि अपने रोज़मर्रा के जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, मे द लॉर्ड एनेबल यू एंड हेल्प यू टू बी जेंटल टू ईच वन। हमारी यही दुआ है दोस्तों कि आप अपने परिवार में जेंटलनेस में बढ़ते जाएं और प्रभु आपका इस्तेमाल करें ताकि आप एक अच्छा उदाहरण अपने परिवार और समाज के लिए बन पाए। दोस्तों, एक नई जिंदगी में चर्च कॉयर एंड कॉन्सर्ट सीरीज में हम अलग अलग भाषा और क्षेत्र के गानों को सुनते हैं। इस पूरे हफ्ते हम चेन्नई के अन्ना नगर के मेथोडिस्ट चर्च के बच्चों के कॉयर को सुन रहे हैं, और आज ये प्यारे प्यारे बच्चे हमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बाइबल की सीख दे रहे हैं। बच्चे हमारे लिए गा रहे हैं डू नॉट वरी। जी हाँ, ये एक संडे स्कूल सॉन्ग है, और अक्सर हम बड़े जो है बहुत चिंता करते हैं, तो आज बच्चों से हम सीखेंगे कि हमें चिंता नहीं करना है पर अपनी सारी चिंताओं को हमें परमेश्वर पर डालना है। दोस्तों, जैसे आप इस गीत का आनंद लें, हम आपको बताना चाहते हैं कि ऐसे ही खूबसूरत गीत आप अपने जनों को डेडिकेट भी कर सकते हैं, किसी लव्ड वन को गिफ्ट के रूप में आप दे सकते हैं। बड़ा आसान है, आपको हमारे वेबसाइट पर लॉगिन करना है जो है www.cbnindia.org/cbnofferings। वहाँ पर कई सारे गीत हैं, उनमें से कोई भी गीत आप किसी अपने जन को डेडिकेट कर सकते हैं। जी, और ऐसा आप ज़रूर करें दोस्तों। टाइम टू से गुड बाय, और लेट अस ऑल एंजॉय दिस सॉन्ग, लेट अस नॉट वरी एंड लेट अस कंटिन्यू टू बी जेंटल। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स, हैव अ लवली डे। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। See the birds who are singing in the spring air, they're given everything they need. They don't worry where the next meal will come from, they don't worry about a thing. So just look around you and try to listen to the song creation sings. Don't you worry, 'cause you're in they should wear, no, they don't worry about a thing. So just look around you and try to listen to the song creation sings. Don't you worry, 'cause you're in the hands of the God who made everything. 'Cause you're not a bird and you're not a flower, you don't have petals or so much more to the God who made everything. So when you worry what day or tomorrow and the storms that they might bring, try to remember that you're in the hands of the God who made everything. And just look around you and try to listen to the song creation sings. And don't you worry, 'cause you're in the hands of the God. There is good news, 'cause you're worth so much more to the God who made everything.